यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है और हम अभी उठे हैं और अभी 8 बज रहे हैं और इतना प्यारा व्यू है कि हमेशा की तरह मेरा फ़ोन कैच नहीं कर सकता, लेकिन सच में बहुत 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 प्यारा है। ऐसा लगता है शिमला में आ गए। और ठंड तो है और अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें निकलना है। सो आज हमें ट्रैकिंग करनी है। देखो यार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। सो मिलती हूँ मैं आपको फ्रेश होके। तो थोड़ी सी वो किया जाए, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, चल जो भी है किया जाता है। ओ ये तो जादू हो गया, मैं तो रेडी होगी। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो होटल वालों ने हमें कितना अच्छा रूम दिया था और हमारी करतूते देखो क्या हालत बनाई है हमने रूम की। और ये देखो ये मेरे रूम की हाय, और हालत देखो रूम की। और हमने एक हमसे बताया क्या हुआ है, मिरर टूट गया। पर ये मिरर हमारी गलती से नहीं टूटा है, ये ऑलरेडी लटका हुआ था और वो खुद गिर के टूट गया। सो हमारी कोई गलती नहीं है। और कितनी सही वादियाँ हैं पीछे, वो हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी वादियाँ दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। और निकल चुके हैं हम उधर से होटल से और सारे अपने अपने पिट्ठू लांग के हम सारे निकल रहे हैं। हाय तो कुछ आ गए हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। सो चलते हैं बाहर। और अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह से। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद आगे ट्रैकिंग के लिए। और वो जो सीढ़ियाँ रात को आपको दिखाई थी मैं भूल गई अभी आपको दिखाना, क्योंकि सूटकेस से। और वो जो बस हो गया है तो मिलती हूँ मैं आपको वहीं पे चलते, क्योंकि सांस उड़ रही है, बोला नहीं जा रहा। चलता मैं सुबह आपको मार्केट जाऊँगी, लेकिन अभी मार्केट खुली नहीं है, हम जल्दी जा रहे हैं। बस ये फ्रूट वगैरह खुला है देख लो, बाकी ये रहे मूंग। वाह सब्जी ले रहे हैं। सो ये रहा हमारी, यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना है। और ये रहा हमारा व्यू। मार्केट में था कि मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँ, बट यहाँ पे बहुत ही सब्जियाँ इतनी कॉस्टली हैं। सो मैंने एक स्नैक्स लिए हैं, पॉपकॉर्न बर्गर भी खाऊंगी, मैंने बैग में डाल दिए हैं। सो चलते हैं आगे, क्योंकि वेट कर रहे हैं टीचर्स, तो हमने जाना है आप आगे ट्रैकिंग पे। सो मिलती हूँ आपको आगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाय। हेलो मैम। पूरा शिमला दिख रहा है, शिमला नहीं सॉरी मैकलोडगंज, मैकलोडगंज। और ये बहुत प्यारा है, और कसम से मेरे फ़ोन की वो चीज़ नहीं आ रही जो ये दिखाई दे रहा है। बहुत 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 प्रीटी है ये। सो चलो इसी के साथ एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। ये क्या लिखी, तुम लोग सारी बॉटल्स पी लोगे? और क्या, हम वैसे फायदे के ऊपर लगते हैं। क्या मतलब? नॉर्मल बॉटल 120 की है। तो तुम लोग कितने की दोगे? 12 बॉटल्स 190। सही है। नहीं तुम लोग 12 की 12 बॉटल्स लेके जा रहे हो, इतनी पी लोगे एक दिन में? फ्रेंड्स थकी। ओ माय गॉड, रुको एक और व्यू दिखाती हूँ। व्यू जितने दिखाओ उतने कम है। ओ माय गॉड यार बहुत प्यारा है ये, बट ये दिखेगा नहीं मेरा फोन, लेकिन ये बहुत प्रीटी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। चलो मैनेज कर लो। हाय चले, थक गई यार मैं तो। आजो आजो पीक माउंटेन दिख रहा है आपको, हमने इसकी पीक पर जाना है, वहाँ पे टॉप पे। ट्रिप का मजा अब शुरू होगा, शुरू करते हैं ट्रिप।
ट्रिप छोड़ो, ट्रैकिंग छोटा सा मार्केट आया, तो आप देख रहे हो कुछ पसंद हुआ तो खुद आके ले लेना। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। नन्नी सी जान कंधे पे बोझ उठाया हुआ। मेरे को बोझ बिल्कुल नहीं लग रहा, इसको बहुत बोझ लग रहा है। फिर मेरा भी उठा ले। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, वाओ यार ये कितना सही है। आजा यार कितना अच्छा है। यहाँ पे आ गया, आई थिंक सरोवर टाइप कुछ है, पानी है वहाँ पे। सो फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुकी है हमारी जर्नी, एंड वो देखो हमारी लोकेशन। ओह वाओ सो नाइस। यस पहाड़ों में जाने का नजारा ही कुछ और है। वाओ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ना मनाली। यस मनाली मनाली देख ले। मनाली मनाली घूम रही है। सो फ्रेंड्स इसके आगे मैनेज कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे फोन ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। सो अब मैं ऐसे सुन लो यहाँ क्या क्या हो रहा था। यहाँ पे बच्चे पहाड़ी चढ़ रहे थे और मैं थक गई थी, और मैं सब के लिए कह रही थी अरे भाई कैसे चढ़ रहे ये सब, मेरे से तो चढ़ा नहीं जा रहा। कि यहाँ से नीचे से मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स आ रहे थे, तो वो हाय हाय चिल्ला रहे थे, पर सॉरी गाइस आप लोगों की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं खड़ी होकर पता नहीं क्या बोल रही थी, और इतनी देर में मुझे ममता ने कुछ दिखाया। ओह वाओ, मैंने कहा ओह माई ये तो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो वहाँ पे एक डॉग था जो खड़े पहाड़ पर इतनी ईजली चढ़ रहा था, और वहाँ के डॉग वो भाई क्या बोलूँ। सो यहाँ पे मेरे साथ जो खड़े थे, और इतनी देर रजत ने अपनी अंग्रेज़ी में चटर पटर करना शुरू किया, और यहाँ पे मैम थक चुके थे, और नीतीश उस चीज़ का फ़ायदा उठा के फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। और मैंने मैम को पूछा मैम आप कैसा लगा यहाँ का, और मैम का सिर्फ एक ही जवाब था तनप्रीत को बुलाओ जिसने ये ट्रिप प्लान की है। और तनप्रीत नीचे से आराम से टहलता आ रहा था, और जब वो ऊपर पूछा मैम बोलती क्या सोच के तुमने ये ट्रिप प्लान की, तो मैम कहता मैम इस एक्सपीरियंस मैम ये एडवेंचर आपको कहाँ मिलेगा, सो मैम प्लीज़ चलिए उठिए। और तभी उसी टाइम पर मैम भी आ गए दूसरे मैम, और वो भी कहते मैम चलो मैम मैम, उनको चीयर करते करते और मैम ऊपर की तरफ निकल पड़े। सो फ्रेंड्स ऐसे मैनेज कर लो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी। सो प्लीज़ मैनेज कर लो, और मेरा गला बहुत ख़राब है ये वॉइस ओवर करते हुए। और असली ट्रैकिंग तो अब शुरू हो रही है, है ना। डर लग रहा है यार, रास्ता देखो और हमें उधर से जाना है कहीं से पता नहीं किधर से। सो मैं यहाँ पहाड़ पे बैठ के कुछ शूट कर रही थी, और तभी मुझे पहाड़ों के ऊपर कोई मिला, और वो कौन था, वो था मेरा एक सब्सक्राइबर। और इस बेचारे ने मुझे अपना नाम अता पता भी बताया था, और मुझे सपोर्ट करने के लिए कह रहा था, बट सॉरी फ्रेंड मुझे आपका कुछ याद नहीं। और इसके साथ इसका एक फ्रेंड भी था, बट सॉरी फ्रेंड्स मेरा फ़ोन मुझे धोखा दे चुका है। सो ऐसे मैनेज कर लो। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सो फ्रेंड्स काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ, लुक एट दिस व्यू, देखा कहीं ऐसा व्यू, इसे कहते हैं सुकून। थक ज़रूर गए हैं, लेकिन ये देखने वाली चीज़ है।
और ये भैया हैं हमारे जो हमें गाइड कर रहे हैं। भैया हाई कर दो आप। चलते हैं ऊपर। इतना भी और पेंडिंग है और इतना हम चढ़ आए हैं। अरे मैम बेचारे, मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तनप्रीत को बुलाओ। तनप्रीत को बुलाओ। मैम को बस देखिए कहना, तनप्रीत को बुलाओ जिसने ये ट्रैकिंग के लिए कहा था। मरते हुए यहाँ पहुंची हुए और व्यू देखो कितना अच्छा है। देखो आपके बिना यहाँ आए मैं आपको कितना अच्छा व्यू दिखा रहा हूँ। अगर फिर भी आप मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करो तो फिर तो भगवान भरोसे। और बाय गॉड, ऐसा व्यू ना मैंने आज तक लाइफ में कहीं नहीं देखा। बहुत प्यारा है यार। और मेरा फोन क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और विशाली और भी वहाँ पहुँचे हैं, वो नीचे, और मेरे साथ ये छोटी सी बच्ची पहुँची है। हेलो गाइस। बहुत थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा, हद होती है ना, हद ख़त्म हो चुकी है। चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, थोड़ा और आगे तक पहुंच गई मैं। अभी भी वहां जाना है। रोड देखो इधर से होके आ गया। देख कितना ट्रैवल चल, वो देखो वो नीचे से आई हूं मैं। हाय मनीष, हाय। आते उधर है। सो फ्रेंड्स, ये देखो व्यू, और बादल नीचे रह चुके हैं, हम ऊपर आ चुके हैं। और अभी टाइम 3:30 का हो गया है और ऐसा लग रहा है पता नहीं कि जैसे कि शाम का कितना टाइम हो चुका है। और बच्चे कुछ ये हैं और कुछ वहाँ पे हैं। हम मिड पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, बस ये मिड पॉइंट है। उसके बाद बस थोड़ा ही हो रहा है, आई थिंक 1 घंटे का सफ़र हो रहा है, देन हम ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये व्यू बहुत प्यारा है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए। ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम ना पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए। ऐसी जी आ जाओ गाइस, व्यू। और देखो धुंध पड़ चुकी है, बादल आ चुके हैं, नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा, हम बहुत ऊपर आ गए हैं। ऐसी जी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए। ऐसी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुकी थी और ये पीछे हमारे टेंट थे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान बिल्कुल जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्योंकि वहाँ धुंध बहुत थी और बादल बिल्कुल नीचे आए हो चुके थे। और यहाँ पे मैं आगे जा रही थी जहाँ पे हमारे टेंट्स थे, क्योंकि ये हमारे टेंट्स नहीं थे। फिर आज मुझे वॉइस ओवर करते हुए पता चल रहा कि मैं बहुत बोलती हूँ, इतना नहीं बोलना चाहिए कि आपको खुद समझ ना आप क्या बोल रहे थे। और लिप सिंक तो मेरी मैच हो नहीं रही, सो मैनेज कर लो। यहाँ क्या हो रहा था, आई थिंक मैं व्यू ही दिखा रही थी और पीछे लोग थे वो दिखा रही थी। और आई थिंक मैं यहाँ से खाई दिखा रही थी नीचे, कि देखो कितनी गहरी खाई है, अगर इसमें गिर जाऊँ मैं तो क्या होगा। सॉरी, जस्ट किडिंग। सो यहाँ से मैं इन पत्थरों के बीच में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। ओ हाँ, यहाँ से मैं अपना रास्ता ढूंढ रही थी जहाँ हमारे टेंट्स लगे हुए थे और मेरे क्लासमेट्स थे। और ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं जैसे कश्मीर में चली गई हूँ, साइड एरिया कहीं पर,
जहाँ पे रिफ्यूजीज कैंप होते हैं. सो जस्ट किडिंग. सो यहाँ पे मेरी मतलब फैमिली मिल चुकी थी, फैमिली क्या मेरे फ्रेंड्स मिल चुके थे. और यहाँ रजत फिर आ गया अपनी चैटर पैटर इंग्लिश में करने के लिए. सो सॉरी गाइस, मुझे नहीं सुननी. तो यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा था, तो मैं यहाँ आके बहुत खुश थी, इतना मुझे पता है. सो ये मेरे को अपना टेंट मिल चुका था और मेरे पीछे एग्जैक्ट मेरा ही टेंट था और मैं अपना टेंट दिखा रही थी. और मिनाली और ये मानसी सब हाय हाय चिल्ला रहे थे और मैंने बोला हाय गाइस सॉरी पर आपको नहीं सुनने को मिलेगा. और यहाँ शीतल यहाँ बैठी, मैं ऐसे बैठी हुई, मेरे को मत लाना, पर मैंने कहा सॉरी गाइस यहाँ सब आएगा. और यहाँ पे वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी शीतल की, सॉरी विशाली की. और विशाली ही बहुत ज़्यादा ही खुश थी, देखो कैसे अपनी बजुल्फें संवारती हुई. और यहाँ पे शीतल मेरे से कुछ बात करने आ रही थी, देख लो मैनेज कर लो, क्या ही कर सकते हो. तो शीतल सॉरी मुझे नहीं याद तुमने मुझे क्या कहा था, सो तुम्हें खुद याद हुआ तो इमेजिन कर लेना. और इसके बाद छोटी सी बच्ची को अपना घर मिल चुका था और ये बहुत खुश थी कि वाह मुझे मेरा घर मिल गया. और इसके से देखो कितनी ही खुश है. और धुंध देखो भाई, कितनी धुंध थी यहाँ पे. और ये मेरा रूम, और मैं सोच रही थी कब मैं इस बिस्तर में जाके सो जाऊँ, क्योंकि बट व्लॉगिंग करनी भी ज़रूरी थी. सो ऐसे चल रहा था और भाई धुंध देखो, इतनी ठंड, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितनी सर्दी थी यहाँ पे. और फ्रेंड्स ये रहा नाइट का व्यू एंड वो नीचे रही सिटी, और हम वहीं से आए हैं ऊपर हम प्राणी. और ये बहुत दूर है, अंधेरा भी हो चुका है, यहाँ पे लाइट नहीं है. ये रहे हमारे जहाँ हम रह रहे हैं, और ये रहा ढाबा जहाँ से हमें खाना मिलेगा. और सभी लगे हैं काम में और मुझे बहुत ठंड लग रही है. और मेरा टेंट वो रहा और बहुत ठंडा, और वो हमारा रेड वाला वॉशरूम एमरजेंसी. याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, रास्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया. जान सके किन्ना प्यार सिमाल रे, ओ क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार सिमाल रे. मैं सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है कुछ से राबता. मेरा तेरा शुरू.